सरकार ने तो करके दिखाया ना, 72,000 करोड़ हमने कर्जा माफ किया ना, तो हमने करके दिखाया है। किसान को एकदम एक तरफ कर दिया है कि आपकी सुनवाई नहीं होगी, आपके लिए हम कुछ करेंगे भी नहीं। माइक तो मेरा दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस प्रदेश भर में आज से प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के हर छोर में जाने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को बाराबंकी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत प्रियंका गांधी ने हम वचन निभाएंगे नारे के साथ की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पार्टी की 7 प्रतिज्ञाएं भी घोषित की हैं। लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आते ही यूपी में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, कोरोना काल के बिजली काल के बिल भी माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, चुनाव में 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। लड़कियों को स्मार्टफोन व स्कूटी देने का भी वादा प्रियंका गांधी ने किया। लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। वहीं गेहूं व धान की खरीद 2500 रुपए प्रति क्विंटल होगी। प्रियंका गांधी ने घोषणा की है कि कोरोना की मार झेल रहे परिवारों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद भी देंगे। प्रतिज्ञाएं हैं, उनके बारे में आपको यहां पे बताने के लिए आई हूं, आप सबको कहने के लिए कि हमारी कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। वहीं इससे पहले प्रियंका गांधी बाराबंकी से हरक के रास्ते में एक गांव में खेतों में काम कर रही महिलाओं से भी मिली। प्रियंका खेत में ही महिलाओं के बीच बैठ गई। इस दौरान महिलाओं ने अपने हाथों से प्रियंका गांधी को जलेबी खिलाई। इस बीच एक बुजुर्ग महिला ने मीडिया कर्मियों का माइक ले लिया। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा अब महिलाएं माइक भी संभालेंगी और सत्ता भी लेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने महिलाओं से बात भी की और कहा कि मैं महिलाओं से उनकी परिस्थितियों को समझना चाहती थी। ये जानना चाहती थी कि वो अपनी बेटियों की परवरिश कैसे कर रही हैं, वो उन्हें शिक्षित करने में कितनी सक्षम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।